नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सत्याग्रह में आपको यूपी की हर राजनीतिक हलचल बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में सत्याग्रह टॉप 70। बस्ती में घर के बरामदे में सो रही किशोरी का अपहरण के बाद गैंग रेप, युवती को बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़कर आरोपी फरार हुए, पुलिस कर रही है पड़ताल। लूरी विधायक नंद किशोर गुर्जर का लेटर बम, डीएम को पत्र लिखकर चेताया, नवरात्रों में बांस की दुकान खुली मिली तो हो सकता है बवाल, मीट की दुकानें खोलने पर कार्रवाई करने की अपील। अलीगढ़ में गणेश प्रतिमा स्थापित कर मौलानाओं के निशाने पर आई भाजपा, जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान को मिली धमकी, गली में घर के बाहर लगे पोस्टर में परिवार को जिंदा जलाने की धमकी। सपा नेता आजम खान के फरार होने की खबरों पर उनकी पत्नी तजीम फातिमा ने किया है खंडन, कहा ना तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस की है ना ही वे फरार हैं, कहा सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा उनका इलाज। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया, ट्विटर लिंक के सबूत मिलने के बाद कार्रवाई, देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर हिंदू महासभा ने जताई है खुशी, सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक और प्रशंसनीय। पीएफआई पर बैन को सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने बताया लोकतंत्र के खिलाफ का, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। देश में पीएफआई बैन को लूनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया है बेहतरीन फैसला, सरकारी एजेंसियां लगातार देश के कई राज्यों में कर रही है ताबड़तोड़ छापेमारी, पीएफआई संगठन से जुड़े हुए लोगों को किया जा रहा गिरफ्तार। पीएफआई के बैन पर सीएम योगी का ट्वीट, पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन का फैसला स्वागत योग्य है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा, स्वीकार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका स्वागत किया है, कहा केंद्र सरकार ने उठाया बहुत बड़ा कदम। पीएफआई पर 5 साल के बैन को लेकर बोले सपा नेता मनोज पांडे, धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर हो कार्रवाई। पीएफआई पर लगे बैन को लेकर बोले सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता काशिश वारसी, पीएफआई ने देश के मुस्लिम युवाओं को किया गुमराह, जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल कर इस्लाम को कर रहा था बदनाम। पीएफआई पर बैन के बाद देश भर में हलचल, दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद हलचल तेज, तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएफआई के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएफआई पर बैन को लेकर बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कहा मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है, आरएसएस पर भी लगना चाहिए बैन। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के 3 संगठन गल्फ से ऑपरेट किए जाते थे, इन संगठनों के नाम है इंडिया फेटर्निटी फोरम, इंडियन सोशल फोरम, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ये तीनों भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कोविड पाबंदियां हटने के बाद लगभग 2 साल के इंतजार के बाद विदेशी पर्यटकों से गुलजार हुआ कुशीनगर, 111 विदेशी सैलानियों का दल पहुंचा महापरिनिर्वाण स्थली, भगवान बुद्ध के मंदिर में पूजा अर्चना। हापुड़ के गांव मुबारकपुर गांव पहुंचा शहीद सुमित गुर्जर का पार्थिव शरीर, कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान हृदय गति रुकने से हुआ था निधन, चारों भाई बहनों में सबसे बड़े थे सुमित गुर्जर। देश में तीसरी सबसे पुरानी ऐतिहासिक रामलीला बरेली के हाथमैन रामलीला ग्राउंड में होती है, जिसे इस बार 455 साल हो गए हैं, बरेली में इन दिनों 56 स्थानों पर हो रहा है रामलीला का मंच। चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्य जीव बिहार में बनेगा बुंदेलखंड का सबसे पहला और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, तकरीबन 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व किया जाएगा विकसित। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन ने सप्लाई किए घटिया इंजेक्शन, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मरीजों को अगर लग जाते हैं इंजेक्शन तो बढ़ जाती मरीजों की मुश्किल। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के फैसले से कारोबारियों की नींद गायब, सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील। वाराणसी के भेलपुर थाने से भागे मुलजिम को सिपाही ने दौड़ाकर पकड़ा, मुलजिम के थाने से फरार होने के बाद मच गया था हड़कंप। चारगुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हुआ, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर बड़ी संख्या में छात्राएं भी इसमें शामिल हुई, यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने निकाला जुलूस। देहरादून में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर 1 घंटे का मौन रखकर दिया धरना, कांग्रेस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहे। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, टिहरी के होटल और रिसोर्ट में छापेमारी अभियान तेज, छापेमारी के दौरान होटल और रिसोर्ट के खंगाले जा रहे दस्तावेज। अंकिता हत्याकांड को लेकर छात्रों का फूटा आक्रोश, हल्द्वानी में एमपीपीजी कॉलेज के सैकड़ों छात्राओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से सोहावल तहसील क्षेत्र के ढिम्बा पुल से होकर नवाबगंज गोंडा जाने वाली सड़क को अपनी चपेट में इसने ले लिया है। बड़े वाहनों के प्रवेश पर अब रोक लगी है। दो दिन तक चलने वाले सपा के अधिवेशन का हुआ आगाज। लखनऊ के रमाबाई मैदान में अखिलेश यादव ने फहराया तिरंगा। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता। नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से सपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अखिलेश यादव ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया। गंगा सफाई के नाम पर सिर्फ लूट हुई। अखिलेश यादव बोले, भाजपा का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और कोई उसे हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करेंगे। अखिलेश पर सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़के शिवपाल सिंह यादव, कहा चलिए हटिए, उनकी बात हमसे क्यों पूछते हैं, हमारा अधिवेशन हो तब पूछेगा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण। बोले, लता दीदी का जीवन संगीत को समर्पित रहा। पीएम मोदी ने योगी सरकार को दी बधाई। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया, अंकिता के परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता। 25 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया। अंकिता हत्याकांड को लेकर ऋषिकेश में हंगामा। मृतक लड़की के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर बवाल। लोगों ने रायवाला थाने में किया प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर दिया धरना। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। पीलीभीत में दबंगों ने मोबाइल दुकान में घुसकर मारपीट की। पैसे न देने पर दबंगों ने ताबड़तोड़ मारपीट की है। दबंगई की अब ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बरेली में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया। फरीदपुर थाने के CAS इंटर कॉलेज का मामला। लखनऊ में मंत्री आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों का जमावड़ा। भारी पुलिस बल तैनात। कासगंज में किसानों के बीच हुए टकराव के मामले में पुलिस ने दर्ज किए 3 मुकदमे। पुलिस ने 51 नामजद 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रायबरेली में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों का 15वें दिन भी धरना जारी है। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ वेतन भुगतान न करने के विरोध में नारेबाजी। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन श्रेणी में हरिद्वार नगर निगम को मिला पहला स्थान। इसी साल जनवरी से मार्च महीने तक गोपनीय तरीके से कराया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर जिला न्यायालय की सराहनीय पहल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में गरीबों के लिए सहायता की गई है। जेल में सजा काट रहे कैदी की भी मदद। जोशीमठ माणा पास की सीमा को पर्यटन मानचित्र में लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। स्काई माउंटेन एसोसिएशन ने बद्रीनाथ धाम से 104 किलोमीटर साइकिलिंग यात्रा को किया शुरू। मऊ में रतनपुरा बाजार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। एक सिपाही समेत 2 की मौके पर की मौत हो गई। मृतक सिपाही सुल्तानपुर जिले में था तैनात। हाथरस में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 सवारियां घायल। चंद्रपा इलाके के नेशनल हाईवे 93 पर हुआ हादसा। अमरोहा में जीजा के घर मेहमान बनकर आए साले की निर्मम हत्या। भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़क वंशी का रिश्तेदार है। मृतक परिजनों की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। काशीपुर में लुटेरी दुल्हन के गैंग के आधा दर्जन सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका था ये गैंग। फरुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पति ने गंडासे से पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 50,000 की नामी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क। 2 अरब की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। रामनगर में गर्जिया के टीले को बचाने के लिए जीवी पंत विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने सर्वे किया है। गर्जिया देवी मंदिर का टीला बारिश और बाढ़ के चलते हुआ क्षतिग्रस्त। गोरखपुर में बगिया देवी के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्तों की पूरी होती है मनोकामना। आस्था और मन्नतों का बांधते हैं खंता। अंकिता हत्याकांड के बाद अब लगातार उठ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग। विधानसभा अध्यक्ष और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने भी राजस्व पुलिस को समाप्त करने की मांग की है। नोएडा ग्रैंड ओमेक सोसाइटी विवाद को लेकर अनुत्यागी के समर्थन में बैठे त्यागी समाज के लोग। सोसाइटी के कॉमन एरिया में लगाए गए पेड़ों को हटाने के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। चंदौली में सेंट जॉन स्कूल की वैन पलटने से 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्कूल वैन में सवार थे 30 बच्चे। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। हमीरपुर में महिला सशक्तिकरण को लेकर जिलाधिकारी की अनोखी पहल। जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में छात्राओं ने संभाली है कमान। डीएम एडीएम समेत सभी कार्यालयों का स्कूल की स्टूडेंट्स को दिया गया 1 दिन का चार्ज। हरदोई में किसान ने बैंड बाजे के साथ कराया भैंस के बच्चे का मुंडन संस्कार। निमंत्रण देकर 300 लोगों को दावत दी। मन्नत पूरी होने पर कराया भैंस के बच्चे का मुंडन।
बागपत में मरीजों की जगह घर का सामान ढो रही है एम्बुलेंस, घर का सामान ढो रही है एम्बुलेंस का वीडियो हुआ वायरल, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलने से वे हो रहे परेशान। अमरोहा में अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानों और मकानों के बाहर से हटवाया गया अतिक्रमण, एसडीएम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नैनीताल में नगर पालिका सभागार में बोर्ड की बैठक में सभासदों ने किया हंगामा, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने से हटे अब सभासद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से दो गौ तस्कर घायल हुए हैं, जंगल में गौ हत्या करने की फिराक में थे तस्कर। बुलंदशहर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के साथ खुद सड़कों पर एसएसपी श्लोक कुमार ने हालातों का जायजा लिया है, बाजार में घूम रहे बच्चों को अभियान के दौरान अधिकारियों ने चॉकलेट और फ्रूटी बांटी। अमेरिका और डेनमार्क की तर्ज पर बुलंदशहर में प्यूरिफाई सिस्टम से गांव के गंदे पानी को किया जाएगा प्योर, प्यूरिफिकेशन के बाद तालाब में पहुंच रहा स्वच्छ पानी आने वाले दिनों में नजीर साबित होगा। रायबरेली में पिता की डांट से नाराज होकर दो सगी बहनें नदी में कूदने की कोशिश कर रही थी, आत्महत्या करने के लिए पुल पर पहुंची थी, संदिग्ध अवस्था में खड़ी युवतियों को चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने दौड़कर पकड़ा। रायबरेली में मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिर एक्टिव हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान, एडीजी समेत आला अधिकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों को दिए शौतों से निपटने के टिप्स। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर हो गई, हादसे में कई लोग घायल हुए। यूपी में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में बनेगा नया टाइगर रिजर्व, 603 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व को विकसित करने का टारगेट। फिरोजाबाद में चूड़ी चुराई मजदूरों के साथ हो रही झुलसने की घटनाओं के बाद जिलाधिकारी ने किया है टीम का गठन, टीम ने पेंट की दुकान पर छापेमारी की, रिटेलर को हिरासत में लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।